भैया आपका नाम क्या है? श्रीराम। आप किस गांव में रहते हो? ग्राम खुशरूपुर कुटी। तहसील आपकी कौन सी पड़ती है? सफीपुर। आज जो रात्रि में ओलावृष्टि हुई है, इसमें आपका कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कौन कौन सी आपकी फसल थी खेत पर? बंदा था, बैंगन था, मिर्च थे और बेड़ थे, प्याज के और बैंगन के और बंधा गोभी की बेड़ भी थी, 40,000 रुपए की हमने बोई थी। जिस खेत पर आप खड़े हैं, यह आपका खेत है या फिर आप ठेके के उद्देश्य से करे हुए हैं? ये मेरा खेत नहीं, ये लल्ला उर्फ सिपाही लाल का खेत है, खुशरूपुर ग्राम सभा का। मैं ये साल भर के लिए ठेके में लेते हैं, इसका साल भर का मुआवजा हम भरते हैं। इसका कितना मुआवजा आप इसका भरते हैं साल का? इसका जो है 23 क्विंटल का है। गेहूं का हम 23 क्विंटल गेहूं की भरपाई करते हैं। तो इस ओलावृष्टि में आपका भारी नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तैयार किए थे वो भी चली गई है, और जो बंधा वो बैंगन तैयार था, मिर्च सब दुरुसा टूट के नीचे गिर गया है, बंधा फट गया है। हमारा नाम राधे श्याम है। आप किस ग्राम सभा में रहते हैं? ग्राम खुशरूपुर। आप जो आज रात्रि में ओलावृष्टि हुई है, इससे आपका कितना नुकसान हुआ है? अब हमारा कम से कम 3.5 बीघे ठेके और कनपे जमीन है। ये किसकी है जमीन आपने? सिपाही लाल की है। किस गांव में रहते हैं? खुशरूपुर। तो आप इनको सालाना कितना देते हैं? 10 क्विंटल पे है ये 2 बीघे। 2 बीघे। तो रात्रि में जो ओलावृष्टि हुई, इससे आपका कितना नुकसान हुआ है? अब नुकसान क्या, हरी फसल है, इसमें क्या लागत हम बता नहीं सकते कितनी लागत होगी। तहसील आपकी कौन से लगती है? तहसील सफीपुर।